अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, 3 जून 2020 को है प्रदोष का व्रत। प्रदोष व्रत की महत्ता विद्वानों ने बताई है, संतों ने बताई है, और स्वयं प्रदोष व्रत के बारे में कहा गया है कि ये संसार का सबसे उत्तम व्रत है। जो प्राणधारी, जो जीवधारी इस उत्तम व्रत को धारण करता है, स्वयं करता है इस व्रत को, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। आज मैं आपको इसी का महत्व बताने जा रही हूँ आज के वीडियो में, और किस तरह से इस पवित्र व्रत को करना चाहिए ये जानकारी भी मैं आपको दूंगी। मैं हूँ आपकी अपनी ही ज्योतिषी डॉक्टर उमाश्री, और आपको बहुत बहुत दुआएँ देती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रदोष काल में शिव जी का पूजन करना पवित्र माना जाता है। प्रदोष काल में ही शिव जी का ये जो प्रदोष व्रत है, इसमें पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव इस समय नृत्य करते हैं, डमरू बजाकर नृत्य करते हैं, ऐसा शास्त्रों में कई जगह वर्णित किया गया है। अत्यंत आनंद के अतिरेक में प्रभु शिव जी बहुत ही आनंदातिरेक से नृत्य करते हैं, डमरू बजाकर नृत्य करते हैं, जिससे कि सारा संसार आनंद को प्राप्त करता है। उनके यही समय उनके नृत्य का बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि प्रदोष काल में जो शिव जी का पूजन करके शिव जी का गुणगान करता है, वह मनुष्य संसार में कभी दुखों को नहीं पाता है। भगवान भोलेनाथ को प्रदोष व्रत अति प्रिय है। ऐसा कहा गया है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर इस व्रत को पूरी श्रद्धा निष्ठा से कर लेता है तो वो भी महाधनी बन जाता है। जो मनुष्य प्रदोष व्रत करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, उसको कोई कष्ट छू भी नहीं पाता। स्त्रियां यदि इस व्रत को करती हैं तो उन्हें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, और सुख सौभाग्य भी उनको मिलता है। समस्त सुखों को वो इस पृथ्वी पर प्राप्त करती हैं। प्रदोष का व्रत ऐसा है कि वो अगर अलग अलग दिन पड़ता है तो उसके अलग अलग फल शास्त्रों में बताए गए हैं। मैं भी आपको बताती हूँ। अगर आपकी कोई मनोइच्छा है, आपकी कोई जिज्ञासा है, या कोई आप ऐसा काम है जो पूरा करना चाहते हो, तो सोम प्रदोष व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। वैसे तो इसे किसी भी वार को प्रारंभ कर सकते हैं, जिस दिन जब भी मतलब प्रदोष व्रत पड़ रहा है उसे कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन सोम प्रदोष व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। प्रदोष काल में शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और जिस समय प्रदोष काल हो उस समय त्रयोदशी तिथि विद्यमान होनी जरूरी है। यदि द्वादशी तिथि हो लेकिन प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि हो तो शिव जी का पूजन किया जा सकता है। कुल मिला के प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि होनी अनिवार्य है। शनिवार को अगर प्रदोष तिथि पड़ती है और उस दिन शुक्ल पक्ष भी हो तो ये संतान की उन्नति के लिए बहुत ही उत्तम कही गई है। प्रदोष काल में स्नान करके श्वेत वस्त्र पहनकर शिव जी का पूजन करना चाहिए, लेकिन स्त्रियों पर ये बात लागू नहीं है। वो अपने सुख सौभाग्य के हिसाब से जो वस्त्र उनके यहाँ पर पहने जाते हैं उसको पहनकर पूजा करें, काला रंग अवॉइड करें। प्रदोष काल में स्नान करके मौन व्रत धारण करने से, मौन रहने से शक्ति बढ़ती है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, व्रत में अधिक बकवादी होना व्रत को खंडित करता है, इसलिए मौन रहकर या कम से कम बोलना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। शिव जी के मंदिर में ओम नाम का उच्चारण करना चाहिए। जिस समय आप पूजा करें उस समय ओम नाम का उच्चारण 16 या 32 बार अवश्य करना चाहिए। पूजन करते समय मुख पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। भगवान गणपति का भी पूजन करना चाहिए। इसके अलावा जो शिव जी का भक्त है, जो प्रदोष व्रत करता है, उसको रुद्राक्ष भी धारण करना बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है।